When I saw Oman, I was like, yes, I want to play them. ये लोगों को नहीं लगता, ये fans को लग रहा है कि Oman difficult हो गया, but players का mentality different है. My parents thankfully supported me, and they were never said no to football. No, they were like, you know, जाता है तो उनको मेरे ख्याल से उनको ये था कि यार इसको जाने दो, स्पोर्ट्स कोटे में इसको नौकरी मिल जाएगी. वहाँ पे ट्रायल जब मैं दे रहा था, तो वहाँ पे I think they were East Bengal scouts, and they came up to my dad, and they said we want to sign this kid. Wow. And my dad was like, उनको तो पता ही नहीं signing क्या होती है, क्या contract क्या होते हैं, कुछ नहीं पता. हाँ जी, ठीक है जी. मोहन बगान के crowd में से ना किसी ने आम की गुठली खा के गुठली फेंकी थी गोल में. वो I was like, team up, यहाँ पे आम की गुठली. Hi, I'm Gurpreet Singh Sandhu. You're watching Super Power Football, home of Indian football fans. Chalo, Gurpreet, customer handshake. 2. Pretty good. Amazing, yaar, amazing. Kaisa chal raha hai in dino? Bas chal raha hai abhi. Staying fit, trying to stay fit. And stay ready for the challenge coming up, you know. Qualifiers, you know. Interesting hai, qualifiers bahut zyada abhi. अभी ऑफ सीजन आप कैसे टेक करते हो? मतलब अभी काफी इंटेंसिव रहा है, 2 कॉम्पिटिशंस बैक टू बैक नए कोच के अंडर. ऑफ सीजन आप कैसे मैनेज करते हैं अपने को? थैंकफुली हम ऐसे सेटअप में हैं, स्पेशली जो नेशनल टीम प्लेयर्स, कि हमें दोबारा मौका मिल रहा है ट्रेनिंग करने के लिए. एंड वी गेट टू यू नो स्टे फिट एंड बी इन अ सेटअप वेयर यू नो वी आर विद फुटबॉल. तो हम उस रिगार्ड में काफ़ी लकी हैं. एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो मतलब बाकी हैं, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है पार्ट नेशनल टीम का, उनको काफ़ी वेट करनी पड़ रही है. एंड दिस इज़ समथिंग अकॉर्डिंग टू मी वेरी कंसर्निंग ऑल्सो. बट ऑल इन ऑल यू नो प्री सीजन में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो आप टाइम ऑफ लीजिए अपना फुटबॉल से टोटली. एंड वंस यू हैव स्टार्टेड डूइंग दैट, व्हेन यू स्टार्ट टू मिस द गेम, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट रिटर्निंग टू योर यू नो फिटनेस एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कैसे दोबारा स्टार्ट करना है और कैसे मैं दोबारा पिच पे जाऊँ. तो आई मीन आई हैव डन दैट फेज लाइक कपल ऑफ टाइम्स ऑलरेडी. तो आपका बेसिकली फोकस फिटनेस पे रहता है और कम्प्लीटली फुटबॉल तो जोन आउट करने में रहता है. मेरा पर्सनली पिछले 2 साल से ये रूटीन है कि आफ्टर हैविंग सम टाइम ऑफ मे बी मैक्स 2-3 वीक्स इफ देयर इज टाइम, उसके बाद मैं जो मेरे वीक पॉइंट्स है फिजिकली मैं उन पे काम करना शुरू कर देता हूँ. पिछले 2 साल से मैं ये कर रहा हूँ. सो व्हाट आई डू इज़ आई टेक अप अ जिम मेंबरशिप एंड ट्राई टू फोकस ऑन मेरे वीक पॉइंट्स क्या है फिजिकली और मैं उन पे काम करूँ. और लकीली दिस ईयर यू नो बिफोर जॉइनिंग द नेशनल टीम आई वाज डूइंग माय स्टफ ऑलरेडी, बट जब हम सेटअप में गए, न्यू कोच, फिजिकल ट्रेनर्स अमेजिंग, सो उन्होंने सबके लिए ऑल द प्लेयर्स इन्वॉल्व they got their specific programs और वो हम follow कर रहे हैं. और you know time is going out very well and just looking forward for the challenges. सही है. आपने भी नए कोच को mention किया तो मैं आपको नए कोच के बारे में पूछ ही लेता हूँ क्योंकि fans काफ़ी excited हैं उसके बारे में. Results इतने अच्छे नहीं रहे हैं but वो तो expected था क्योंकि completely different system, different players try करना चाह रहे हैं. आपके साथ relationship कैसा रहेगा उससे मैच का और कैसे training करवाते हैं, थोड़ा बताओ उसके बारे में. You know कोच इज़ वेरी गुड, एक अच्छे इंसान है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वो प्लेयर भी रह चुके हैं तो उनको पता है अभी कैसी फीलिंग होती है, हाउ द प्लेयर इज़ थिंकिंग एंड व्हाट आई हैव टू डू, व्हेन डू आई हैव टू टॉक टू द प्लेयर. हाँ जी, सो ही इज़ यू नो बिन हियर, सो ही नोज हाउ टू मैनेज प्लेयर्स एंड व्हाट आई नीड टू डू टू आस्क समथिंग फ्रॉम द प्लेयर्स. तो उस रिगार्ड में ही इज़ यू नो गुड. एंड जैसे आपने बोला कि रिजल्ट्स हमारे अच्छे नहीं थे, इवन दो वी वांटेड टू विन गेम्स एंड यू नो मेक आवर फैंस प्राउड, बट इट्स अ ट्रांजिशन यू नो एंड ट्रांजिशंस टेक टाइम. एंड हम फिर से एक ऐसे सेटअप में हैं जो हम आई थिंक 4 साल 5 साल पहले थे जब मैं दोबारा नेशनल टीम में आया था एंड वी हैड अ लॉट ऑफ यंग प्लेयर्स. संदेश वाज देयर, यू नो, प्रीतम वाज देयर, नारायण वाज देयर, ऑल दीज प्लेयर्स. तो मतलब अभी दोबारा वो ट्रांजिशन शुरू हो रहा है. तो यंग प्लेयर्स जब आएंगे टीम में उनको कैसे इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है उसका एक्सपीरियंस चाहिए होता है. तो वंस दे हैव टेस्टेड दैट इन द फर्स्ट 2-3 गेम्स व्हिच दे हैव and now we see players like Amarjeet coming in and, you know, he's showing what he can do for us. So it's a transition and you learn a lot from the transition, not only, you know, by playing games but also by spending time with each other. और उसी पे हमने concentrate किया और I think the coach knows what he wants to do now and when we face the qualifiers we make sure that we are a strong team. आपने टॉमिस्लाव रोगेस को भी मेंशन किया था, आपके गोलकीपर कोच. आपने कहा था कि अभी तक सबसे अच्छे कोच रहे हैं ये. See, he reminds me of Norway. The thing is that, you know, I was very, very fortunate. जो मैंने नॉर्वे में एक्सपीरियंस किया 3 years. Though I played like 12-13 games for the first team, but I was training every single day. You know, I must have done about what 1,000 trainings or something, and those 1,000 training, 1,500 training sessions made me who I am today. और जो कोच थे वहाँ पे गोलकीपर कोच थे, he has trained the best. You know, he has trained Ali Al Habsi over there, and you know he's great. और इसलिए मैंने बोला था कि Rogic reminds me of that because he's come from a similar level, and it's a pleasure, man. Like if we get to work under these kind of coaches with the level which is high, I'm pretty sure not only me but बाकी जो players हैं वो भी improve करेंगे. सही. और कुछ draws के बारे में बात करते हैं, qualifier draws. कुछ लोगों को लग रहा है tough है, कुछ को easy लग रहा है, but to be honest middle ground है थोड़ा. Qatar obviously difficult है, Oman है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है. आपका क्या reaction था जब आपने qualifier draws देखे? Man, I was like, you know, when I saw Oman, I was like, yes. I want to play them. ये लोगों को नहीं लगता, ये फैंस को लग रहा है कि ओमान डिफिकल्ट हो गया है, बट प्लेयर्स का मेंटालिटी डिफरेंट है. See, you want to play good teams, man. Like, yeah, exactly. Don't be scared of anyone. Exactly. I'm not scared of anyone, and whoever it is, we'll face. You know, we'll try to do our best, and we've tried to do that previously as well. And challenge है, yes, but impossible नहीं है. Yeah. और हमें डरना भी नहीं चाहिए किसी से. ठीक है. क्वालिफायर्स का ड्रॉ जो है इट्स अ डिफिकल्ट ड्रॉ टू बी ऑनेस्ट बिकॉज ऑल दीज टीम्स आर डिफिकल्ट टू प्ले अगेंस्ट अवे. ठीक है. टीम्स लाइक अफगानिस्तान हु हैव, वी नो दैट दे हैव प्लेयर्स कमिंग इन फ्रॉम अब्रॉड एंड स्टफ लाइक दैट, सो दे विल बी डिफिकल्ट एज वेल. एंड कतार ऑल्सो हैव द सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप, आई थिंक. That's very well. But I still believe we can, you know, give them a tough time if we play to our strengths, which, you know, I suppose we will. And it's nothing to be afraid of, yeah. Don't be scared, you know, fans. Don't be scared. We'll try our best. Have real faith in your team. Yeah, for sure, man. We'll give everything. चलो गुरप्रीत, आपके bringing up की बात करते हैं. आप चंडीगढ़ से हो. चंडीगढ़ से नहीं, आप पास में कहीं विलेज का नाम नहीं मालूम मुझे. आप पहले विलेज का नाम बताओ. विलेज? मैं चंडीगढ़ से हूँ, मुझे पता होना चाहिए. यार अभी पता नहीं, मोहाली तो अभी शहर हो गया पहले. अच्छा, उस टाइम नहीं था. मोहाली एंड चंडीगढ़ इज लाइक, यू नो, इट्स चंडीगढ़ बेसिकली, बट आई हैव ग्रोन अप इन चंडीगढ़. आई वाज बोर्न इन चमकौर साहिब. इट्स अ वेरी रिलीजियस प्लेस वेयर आई थिंक द Punjabis will know that the चार साहिबजादे were there and they fought wars and stuff like that, so it's a war memorial town, small town. So I was born there and I studied in Chandigarh, played my football in Chandigarh, you know, for the state level as well. Stephen's में था ना? हाँ जी. 8 साल के थे जब आप? In 99 I think I started playing football and वहाँ से I started my journey. 99 में Stephen's से. Stephen's? No, I was in Stephen's from LKG. I don't know what LKG is now, but LKG होता है. पर उधर मैंने 12 साल अपनी जिंदगी के काटे And I was very fortunate, man, that they had an academy. At that time, our academy was really good. You know, we had really good players. And कभी-कभी मैं ऐसे सोचता हूँ कि यार इतने अच्छे players थे और अभी मतलब कहाँ है यार? Like I was nowhere near those players, man. ठीक है, the goalkeepers that we had, the centre backs, the strikers, you know, these guys were going to Manchester and, you know, training with the legends because they were winning these Nike Cups at that point in time, and they were very good young talents. And मैं कभी-कभी सोचता हूँ यार मैं कितना fortunate हूँ कि मैं उस setup से निकला हूँ. So, you know, those days were amazing, and I miss training like a crazy person. Yeah. ऐसे properly driven थे क्या आप as a youngster? उस time कभी मैंने सोचा ही नहीं. Like मुझे कभी सोचने का time ही नहीं मिला कि यार मतलब आगे क्या करना है, ये करना है, वो करना है. सिर्फ मैं सोचता था यार खेलने जाना है. खेलना है बस. कुछ नहीं करना, होमवर्क करना है और बस खेलना है. और कोई चीज़ नहीं थी, दो चीज़ें थी बस. खेलने जाना है, चाहे शाम को, सुबह को, बारिश हो, नहीं हो, कुछ भी हो, खेलने जाना है. फैमिली के अंदर कोई कुछ नहीं कहता था आपको? क्योंकि काफ़ी लोगों के तो यही होता है. नहीं यार, पेरेंट्स कहते थे कि नहीं यार. माई पेरेंट्स थैंकफुली सपोर्टेड मी एंड दे वर नेवर सेड नो टू फुटबॉल. नो दे वर लाइक, यू नो, जाता है तो उनको, मेरे ख्याल से उनको ये था कि यार इसको जाने दो, स्पोर्ट्स कोटे में इसको नौकरी मिल जाएगी. अच्छा. ये ऐसे मेरे ख्याल से उनकी थिंकिंग थी. बट हो गया, मतलब कैप्टन बन जाएगा बड़े हो गए तो. थिंग्स टुक अ डिफरेंट टर्न एंड यू नो आई एम प्राउड ऑफ माय पेरेंट्स फॉर व्हाट दे हैव डन. माय फादर इज अ बिग क्रिकेट एंथुसियास्ट एंड ही वांटेड टू बी अ क्रिकेटर एज अ किड. बट मेरे दादाजी ने बोला कि पढ़ाई करो आराम से, टेंशन मत लो. आप बच गए. So my dad, I think, somewhat wanted me to go in sports, and once I showed interest, he was like, let him do his thing, and you know, things just panned out. Yeah. तो हमेशा आपको goalkeeper ही बनना था क्या? सबसे बड़ा question यही रहता है मेरा कि यार इतनी सारी position है, आपको goalkeeper ही क्यों खेलना है? मेरे पास choice ही नहीं थी यार. As a kid, when I started, the coach wanted me to stay in the goal only. हमेशा से लंबे रहे इसलिए? हाँ. और मतलब मैंने ना ही कभी क्वेश्चन किया, और तब गोलकीपिंग आती भी नहीं थी, ना कोई ट्रेनिंग करवाता था. आई बस मार दो, आई बस दैट्स इट. एंड या मैन, दोज टाइम्स वर डिफिकल्ट, बट आई नेवर थॉट अबाउट इट बिकॉज आई नेवर गॉट टू यूज टू प्ले. मैं कभी मैचेस नहीं खेला था. मेरे जूनियर मेरे से पहले खेलते थे. आई वॉज दैट बैड. I don't know if I'm good enough now, but I was that bad. Fans can watch for it. आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. अभी सब बोल रहे हैं. Yeah. Those were times that I miss, and I'm very fortunate that I had those experiences. Bringing up हुई आपकी चंडीगढ़ में, उसके बाद East Bengal से आपको finally call आया. 1999 में आप बात कर रहे थे कि आपने जब start किया था. On 2009. First time I kicked the ball. Until 2007, I didn't even know that we had like I leagues and stuff like that. अच्छा, तो उस टाइम बस चल ही रहा था. बस ऐसे ही खेल रहा था. हाँ, कि भाई स्कूल इंडिया खेलेंगे, नेशनल खेलेंगे, ये होगा वो होगा, बस. ये नहीं पता था कि you know we have I league clubs, we have professionals. Until I saw that when I was selected in the under-16s national team, तब पता नहीं था कुछ. तो फिर East Bengal कैसे हुआ? I think in 2009 I went to TFA. No one knows this. I don't know why. No one knows this, that I went to TFA. No, I went to TFA in 2008 to give trials. Okay. कि उस टाइम मेरे को ऐसे था कि यार TFA is one of the biggest academy, और club पाने के लिए you have to go to TFA. So I went to TFA. आपके आसपास के लोग भी जा रहे होंगे TFA इसलिए. हाँ, क्योंकि at that point of time I was in the national team setup, like junior teams, and we had players coming in from the Tata Football Academy. And वहाँ वो कहते होते थे यार ये player ने यहाँ sign किए, ये player ने यहाँ sign किए. तो मैंने अपने father को बोला कि यार हमें Tata Football Academy जाना चाहिए. जैसे engineering coaching centers लगा था, वहाँ का बच्चा IIT चला गया तो हम TFA जाएंगे. तो मैंने भी क्या Tata Football Academy, me and my dad took a train and went to Jamshedpur. वहाँ पे ट्रायल जब मैं दे रहा था तो वहाँ पे आई थिंक दे वर ईस्ट बंगाल स्काउट्स. So that's when they saw me the first time and they came up to my dad and they said we want to sign this kid. Wow. And my dad was like, उनको तो पता ही नहीं signing क्या होती है, क्या contract क्या होते हैं, कुछ नहीं पता. हाँ जी ठीक है जी okay okay करके हम लोग चले गए वापस. And before I was leaving, they told me that one day you'll sign for East Bengal. Remember this. And I was like, यार क्या बात कर रहे हो, मैं East Bengal में कैसे खेलूँगा? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे सिर्फ ट्रायल देने आया हूँ TFA में. So that's when the interest from East Bengal came up, and in 2009, out of nowhere I had 3 offers from Salgaukar, from Churchill Brothers, and East Bengal. And the only reason I chose that club at that point was जो मेरे goalkeeper coach थे national team में, Mr. Tanmay Basu. He said that go there because there is a goalkeeper coach in East Bengal. तो मेरा रीज़न यही था कि उधर गोलकीपर कोच है तो इफ़ आई डोंट प्ले एटलीस्ट आई विल गेट ट्रेनिंग. ट्रू. और बाकी जगह नहीं था, बाकी जगह शायद नहीं थे उस टाइम पे. वो यार तो चर्चिल ब्रदर्स सलगांवकर आई थिंक दे डिडंट हैव गोलकीपर कोचेस. वैसे ही कोई मतलब चल रहा होगा सिस्टम. तो एट दैट टाइम ईस्ट बंगाल हैड मिस्टर Atanu Bhattacharya as the goalkeeper coach, who's a legendary keeper himself. He's played for the national team in Asian games and stuff like that. So, you know, मेरे लिए वो मतलब ऐसे था यार ये क्या हो रहा है मतलब, you know, a legendary goalkeeper coach is training me and I'm, you know, training in the team which has, you know, Baichung Bhutia, Renedy Singh, Mehrajuddin Wadoo, all these big names which I never, you know, got to hear before, and then after hearing them, never meet them. But then after signing, being in the same dressing room, it was unreal, man. Like it was, I was living a dream basically at that point. That experience was crazy. Like I'm getting flashbacks now. My first game was against Havra, Havra team. I can't remember the whole name. Yeah. And we had our coach Philip De Ridder back then, and. I remember I played the game. That was my first game. I saved the penalty and first game penalty saved कर लिया आपने. I had a clean sheet and the next game was again Mohun Bagan. And the coach told me in the dressing room on the game day against Mohun Bagan that I'm playing just because I saved the penalty. So I deserve a chance. And I was like, ये क्या हो रहा है भाई? ये तो penalty save करते रहो क्या? ये तो मतलब Mohun Bagan के साथ खेल रहा हूँ. For the first time I'm playing in Salt Lake, 100,000 people, and it's crazy, man. Like my ears were buzzing. That's an experience I think every single football player in India should have. Like nothing can beat. Nothing can beat that 100,000 crowd, man. उसमें 100,000 थे stadium में. Yeah, because there were no seats back then, no. So it's like, you know, if the ball goes in the other half, यहाँ से East Bengal fans, यहाँ है तो Mohun Bagan fans. Wembley type scene है तो proper. अभी Wembley तो टिकता नहीं अपने सामने मेरे हिसाब से. उस time मैं I don't think people know this. मैं खेल रहा था तो Mohun Bagan के crowd में से ना किसी ने आम की गुठली खा के गुठली फेंकी थी गोल में. वो वहाँ पे I was like team up और यहाँ पे आम की गुठली थोड़ा महंगा तो करते. No man, that was crazy, that experience. जब मोहन बागान के एंड पे खेल रहे होंगे ना उसपे. या वो तो एक बार फेंक कैसे थी पता नहीं भाई. जैवलिन में आना चाहिए, जैवलिन थ्रो होगी उसकी. ईस्ट बंगाल में आपने फिर 3-4 सीजन स्पेंड किए फ्रॉम 2009 to 14. I was on loan for one season for Indian Arrows. खेली नहीं लेकिन खेलेंगे कैसे नेशनल टीम में थे यार. अनफॉर्चुनेटली लाइक फॉर्चुनेटली बेसिकली अनफॉर्चुनेटली तो नहीं मतलब आई प्लेड लेस गेम्स बिकॉज आई वाज विद द नेशनल टीम फॉर्चुनेटली गेटिंग रेडी फॉर लाइक द एशियन कप. वो भी पता नहीं कैसे हुआ यार. आई वाज लाइक यू नो बहुत जल्दी कॉल अप आया यार आपको. टचवुड दैट समथिंग लाइक जस्ट क्लिक्ड. आई प्लेड द SAF गेम्स आफ्टर द सीजन फिनिश्ड विद ईस्ट बंगाल. SAF गेम्स से मुझे कॉल अप आया एशियन गेम्स के लिए 2010. and I went to China. Yeah. And in China, I wasn't playing. Kati Mani was playing. Yeah. Because he like the senior keeper, it's under 23. Yeah. I'm just what 18 years old, 17, 18, and I'm just there, you know, as a backup keeper. And udhar kya hua, Kati Mani ke lagi, gardan pe aise kuch. And then I played 2 games. We played against Qatar and Malaysia, and we lost 1 and we won 1. And वहाँ से मुझे था भी यहाँ चलो अभी वापस जा रहे हैं. Indian Arrows, the season is coming up and we need to prepare. पर वहाँ से पता चला फ़ोन आ गया कि भाई तेरे को यहाँ से अभी जाना है दुबई. वहाँ नेशनल टीम ने बुलाया बॉब वॉटन सर ने. मैं हिल ही गया, मेरे को तो पता ही नहीं ऐसे क्या हो रहा है. मैं कहा नहीं यार मजाक कर रहा हूँ. उस टाइम पे मैं उस टाइम चाइना में था and like the Indian Arrows setup was in Delhi. So I was like Delhi. Delhi जाना है. हाँ दिल्ली जा रहे हैं. गुड़गांव में setup है, वहाँ जा रहे हैं. And when they told me that I have to go to Dubai, I won't be like staying in Delhi. मैं believe ही नहीं किया. मैं यार छोड़ मजाक कर रहे हो मेरे साथ. ये नहीं नहीं कहते सच है. Prank लग रहा था. Yeah yeah. So that's when I joined the national team. And I don't know how all this happened, but you know, it's a journey that I'll cherish forever. Of course. Wigan wale कह रहे थे कि we want to keep you, and we want you to stay here 6 months with us, train with us, and family club. हाँ. भाई मेरे तो खुशी के ठिकाने नहीं थे. मैं मतलब पागल हो रहा था. मैं कहा ये वो चलो करो फोन अभी फोन करो. Instagram story. उस टाइम था. हाँ पता है. तो I was contracted with East Bengal. तो उस टाइम sad music play हो रहा था दिमाग में. हाँ. हुआ क्या था exactly? मना कैसे हुआ ये? Club ने बोला कि मत जाओ. हमें चाहिए. जॉबी जस्टिन के साथ भी यही हो रहा था अभी भी. हाँ. हमें आई लीग खेलना है, हमें फेडरेशन कप खेलना है, हमें कुछ चाहिए. Can't do anything, man. Like, I was like, you know, I want to go, man. This is something, you know, it's not gonna come back in life.